subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट जब स्टडी चैनल। साथियों, आज हम लोग 4 से 6 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में 2018 से लेकर अब तक का पीडीएफ है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील जोशी। सुनील जोशी को बीसीसीआई राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सुनील जोशी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हैं। राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष सीएसी द्वारा चुना जाता है। सीएसी का फुल फॉर्म होता है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं मदन लाल, आरपी सिंह और सुलछना नाइक। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने आरपी सिंह, मदन लाल और सुलछना नाइक को 100 दिनों के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया है। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सचिव है जैसा, जो आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई ने विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया है, जिसका नाम था मोटोरा स्टेडियम, जिसे बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसका उद्घाटन डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। मोटेरा स्टेडियम की कैपेसिटी है 1,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्नीम मीर और मानसी सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन। तस्नीम मीर और मानसी सिंह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इन्होंने BWF यूनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन 2020 में कांस्य पदक जीता है, जिसका आयोजन नीदरलैंड के हरलेम में किया गया था। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन और तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। अगर मेल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता हैं। फीमेल की बात करें तो सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रीन कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कहां की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी पुणे में की जाएगी, जो 3 से 7 जनवरी तक की जाएगी, जिसका विषय होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ ओमेन एम्पावरमेंट। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मणिपुर में किया गया था। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में किया गया था। अगर ऑप्शन सी, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कैंपस बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाली इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। इस योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में हर साल 1 से 7 मार्च तक आयोजित किया जाता है। योग दिवस की बात करें तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 मार्च। हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता करने के लिए 4 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई थी। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल हब की उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बहादुर एनएसजी जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही कोलकाता, मानेसर, चेन्नई और मुंबई में 245 करोड़ रुपए की विविध कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। भारत सरकार ने 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में 2 स्थानों को नामित किया है। ये 2 स्थान धोलावीरा और ढक्कन सल्तनत के स्मारक और किले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस राजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू कश्मीर नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को नाम महाराजा गुलाब सिंह रखने का प्रस्ताव पारित किया है। महाराजा गुलाब सिंह डोगा वंश की स्थापना की और साल 1846 में जम्मू के पहले सम्राट बने थे। महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 आरंभ की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला जिले में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियन 2019 आरंभ की गई। यह अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 68वां संस्करण है। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए राशि देने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस अब तक 60 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से अब तक
3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को गोली मारने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु सुधानंद मिहात्रो का निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु सुधानंद मित्रो का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी चौक का नाम बदलकर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत माता चौक। जम्मू कश्मीर के पुराने जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। इस चौक पर हर साल यहां के लोगों द्वारा गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। साथ ही यहां सर्कुलर चौक का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल जी चौक कर दिया गया है। कल हम आपके लिए 2018 से लेकर अब तक का जितने भी नाम चेंज किए गए हैं उसका एक वीडियो लेकर आएंगे, उसे आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मारिया शारापोवा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस। मारिया शारापोवा टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर यू, सुपोषण माह अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए। धन्यवाद।